हाय एवरीवन, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स में। हमारे इस लेसन डिस्कशन में जहाँ पर हम हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स का डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी। तो देखिए, हमने अभी तक दो पार्ट अपने इस लेसन से डिस्कस किए हैं। दिस इज गोइंग टू बी दी सेशन नंबर 3। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। सेशन 1 से लेके 3 तक के सेशंस में इसका डिस्कशन होगा। तक हमने दो सेशन डिस्कस किए हैं, ये होगा हमारा सेशन नंबर 3, जहाँ पर हम पहले पार्ट में डिस्कस किए गए वर्ड्स से रिलेटेड ओरिजिन्स और उनसे बनने वाले रिलेटेड वर्ड्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ ऐसे वर्ड्स में, जैसे कि मैंने बात की थी आपसे इंट्रो वर्ड्स की, एक्सट्रो वर्ड्स की या फिर एमबी वर्ड्स की। तो वहाँ पर जो चीज़ें डिपेंड थी वो इस तरीके से डिपेंड थी कि आप किधर की साइड में टर्न करते हैं। तो वहाँ पर वर्ड आपके निकल कर आए थे क्या क्या, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो इन तीनों वर्ड से रिलेटेड जो रूट वर्ड आपके यहाँ पर निकले, वो वर्ड पहला आपका था वर्डो। यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ पर भी आपका वर्ड यूज़ हुआ और यहाँ पर भी आपका वर्ड यूज़ हुआ। और इस वर्डो रूट का अर्थ जो होता है, वो रूट का अर्थ होता है टर्न, यानी कि आपकी मूविंग दिशा यानी कि लुकिंग डायरेक्शन क्या है। तो इस वर्ड से आपने ये आइडिया लगा लिया कि आप यहाँ पर टर्निंग की बात कर रहे हैं। तो इंट्रो से रिलेटेड आपका हो गया इनवर्ड, यानी कि इंट्रो, जो कि आपका वर्ड दिया क्या, इंट्रोवर्ड। इसी तरीके से आउटवर्ड के लिए आपका वर्ड निकल गया एक्स्ट्रो, जो कि आपको क्या देगा, एक्स्ट्रोवर्ड एज दी करेक्ट वर्ड। तो इस रूट वर्ड का भी आपको अर्थ पता चल गया, उसके बाद आपको इंट्रोवर्ड का भी अर्थ पता चल गया। आपके पास अगर बात होती है बोथ डायरेक्शंस की, तो उसके लिए हमने रूट वर्ड यूज किया एमबी, और उससे जो हमारा शब्द निकला था वो निकला था एमबी वर्ड। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे एमबी की, जिसका अर्थ आपको पता चल गया कि जहां पर भी शब्द में आपको एमबी मिलेगा, वहां पर आपका आइडिया निकल कर आएगा बोथ, यानी कि बोथ दी डायरेक्शन, या फिर कुछ भी चीज जो कि बोथ का सेंस रखती है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एमबी। अब इस एमबी से भी आपके काफी सारे वर्ड्स निकलते हैं, एक एक करके हम उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो एमबी से पहला जो मैंने आपसे वर्ड यहाँ पर डिस्कस किया, ये है आपका एमबी डेक्स्ट्रस। अब देखिए, एमबी रूट का वर्ड आपको पता चल गया कि इसका जो आइडिया होता है वो होता है बोथ से। अगर मैं डेक्स्ट्रस की बात करूँ और इस पूरे वर्ड को फिर डेक्स्ट्रस के साथ कंबाइन करके लिखने की बात करूँ, सो द पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो ऐसे लोगों को आप बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। एम बी यानी कि बोथ, तो यहाँ पर आपका बोथ हैंड को यूज करने की बात आई। उसके बाद आपका निकल कर आया डेक्स्ट्रस, विच मीन्स विद स्किलनेस, यानी कि ऐसे लोग जो कि स्किलफुल होते हैं उन्हें आप बोलते हैं डेक्स्ट्रस। तो एम बी डेक्स्ट्रस आपको अर्थ देगा कि ऐसे लोग जो कि एबल हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है दोनों ही हाथों को इक्वल स्किल से यूज करने की, तो ऐसे लोग आपके कहलाएंगे क्या, एम बी डेक्स्ट्रस। तो यहाँ पर डेक्स्ट्रस, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, ये आपका वर्ड निकल कर आता है डेक्स्ट्रस से, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, स्किलफुल। द वन हु इज डेक्स्ट्रस, यानी कि ऐसे लोग जो कि डेक्स्ट्रस हैं, आप ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, स्किलफुल है। अब देखिए, जो डेक्स्ट्रस वर्ड है, ये आपका लैटिन वर्ड डेक्स्टर से निकला है। अब इस डेक्स्टर का जो बेसिकली मतलब होता है वो राइट हैंड होता है। देखिए, आपने भी पुराने टाइम पर सुना होगा कि जो हमारे दादा दादी लोग या फिर काफ़ी लोग अभी के टाइम पर भी ऐसा मानते हैं कि जो लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, वो काफ़ी स्किलफुल होते हैं उनसे जो कि लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं। बचपन में जो लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप लेफ्ट हैंड से ना लिखें या फिर लेफ्ट हैंड से ना खाएं, आप राइट हैंड यूज़ करें। तो ऐसा माना जाता था कि द वन हु इज़ यूजिंग हिज राइट हैंड ही इज़ मोर स्किलफुल देन द वन हु इज़ यूजिंग हिज लेफ्ट हैंड। तो बेसिकली डेक्स्टर का अर्थ जो निकलता है वो निकलता है राइट हैंड से, जिसे आप एमडी डेक्स्टर में यूज करते हैं, और एमडी डेक्स्टर यानी कि बोथ हैंड आपके क्या कहेंगे, राइट हैंड। अगर आप एमडी डेक्स्टर हैं तो ये कहा जाएगा कि भाई आपके जो दोनों हाथ हैं वो एक तरह से सीधे हाथ की तरह ही काम करते हैं। तो ये कह दिया जाता है कि द वन हु इज यूजिंग हिज बोथ हैंड्स इक्वल स्किलफुली, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एमडी डेक्स्टर हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपसे लेफ्ट हैंड की बात करनी है, मैंने राइट हैंड की बात करी कि लैटिन वर्ड जो आपका राइट हैंड के लिए निकल कर आया वो निकल कर आया डेक्स्टर। अगर मैं लैटिन वर्ड यूज करूँ आपका लेफ्ट हैंड के लिए, तो वो आपको वर्ड देगा सिनिस्टर। सिनिस्टर हो सकता है आपको वर्ड का अर्थ पता हो। सिनिस्टर का बेसिकली जो अर्थ होता है वो होता है एविलनेस से, एविलनेस,
समथिंग विच इज डेंजरस, समथिंग विच इज नॉट गुड, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वर्ड सिनिस्टर, इंग्लिश अर्थ में अगर आपसे बात करूँ। लेकिन एक्चुअल में लैटिन में लेफ्ट हैंड के लिए हम यूज करते हैं सिनिस्टर। आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पुराने टाइम पर लोग कहते थे कि आप अपना लेफ्ट हैंड यूज ना करें खाने में या फिर लिखने में, क्योंकि इसको बेसिकली थ्रेटनिंग, एविल या डेंजरस मानते थे। अब वो कितना था वो आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। इसी तरीके से मैं अगर आप किसी फ्रेंच वर्ड की बात करूँ कि फ्रेंच वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंडीज के लिए, तो वो वर्ड होता है आपका गाउच। देखिए गाउच वर्ड आपका फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, लेफ्ट हैंड। लेकिन इंग्लिश में आप गाउच को किस तरीके से यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए आपका कोई मित्र है या फिर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को बोलता है कि यू आर अ वेरी गाउच पर्सन, तो उसका मतलब वो उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आप ना बड़े ही बूढ़े हो चुके हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है कि आप कुछ काम को कर पाएंगे। तो गाउच बेसिकली एक निगेटिव वर्ड ही होता है और एक्चुअल में फ्रेंच वर्ड होता है जिसका अर्थ क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज की ही बात करूँ और फ्रेंच लैंग्वेज से मैं राइट हैंड निकालने की बात करूँ कि मैं राइट हैंड के लिए कौन सा वर्ड निकालूंगा, तो ये हो जाएगा आपका ड्रॉइड। तो फ्रेंच वर्ड जो कि राइट हैंड को डिनोट करता है वो हो जाता है आपका ड्रॉइड। लेकिन अगर इसी ड्रॉइड को मुझे इंग्लिश में देखना हो तो ये वर्ड हो जाता है आपका अड्रॉइड। अब अड्रॉइड अगर इंग्लिश में बात करूँ तो ये सेम वैल्यू देता है आपको डेक्स्ट्रस लोगों की, यानी कि स्किलफुल लोगों की। लेकिन किस केस में, जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं मेंटल फैसिलिटीज़ को ट्रीट करने में। तो ऐसे लोग जो कि अड्रॉइड होते हैं वो बड़े स्किलफुल होते हैं, लेकिन किस फील्ड में, मेंटल फैसिलिटीज़ में। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे जो कि आपने लैटिन और फ्रेंच में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से रिलेटेड देखे। अब देखिए अगर मैं आपसे अड्रॉइड पर्सन की बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही क्विक विटेड होते हैं, कि बहुत ही तेज़ तर्रार होते हैं, काफ़ी जल्दी से इन्हें चीज़ें समझ में आती हैं, ये बहुत ही क्लेवर तरीके से अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम कर लेते हैं, किसी कठिन परेशानी से ये निकलने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत ही तेज़ होते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं, और वहाँ से निकलने की क्विक टेंडेंसीज भी रखते हैं। कौन? अड्रॉइट पर्सन्स। इसके बाद हमारा आइडिया निकल कर आता है लव, हेट एंड मैरिज का। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में तीन वर्ड, मिसैंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट एंड मिसोगामिस्ट। तो इन तीनों से आपको पता चला कि यहाँ पर मैंने रूट वर्ड यूज़ किया माइस, माइस और माइस। अब इसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा आपका माइजन, जिसका अर्थ आपका होता है टू हेट, यानी कि किसी से घृणा करना। तो यहाँ पर आपका रूट क्लियर हो गया कि कहीं भी अगर शब्द में आपको माइस देखने को मिलेगा तो आप वहाँ से क्या कह सकते हैं कि भाई ये आपका नेगेटिव वैल्यू लेकर आता है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, टू हेट, यानी कि किसी से घृणा करना। फाइन। अब देखिए मिस के साथ मैंने यहाँ पर आपका एंथ्रोप यूज़ किया, यहाँ पर मैंने आपका गाइनेस्ट यूज़ किया और यहाँ पर मैंने आपका गामिस्ट यूज़ किया। अब देखेंगे कि भाई इनका अर्थ क्या होता है। तो मिस एंथ्रोप में मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया आपका एंथ्रोप, जो कि आपका रूट वर्ड देता है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है मैनकाइंड। तो मिस का आपका अर्थ हो गया टू हेड, एंथ्रोप आपको बताता है मैनकाइंड। तो मिस एंथ्रोप आपके क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि हेट किए जाते हैं, हेट करते हैं मैनकाइंड से। ठीक है, तो जो लोग मिस एंथ्रोप करते हैं वो क्या करते हैं, हेट करते हैं मैनकाइंड से। इसी तरीके से माइजो गाइनस की बात करूँ तो गाइनोस आपका देता है क्या, रूट वर्ड एज मीनिंग वोमेन। तो ऐसे लोग जो मिस गाइनस होते हैं वो क्या होते हैं, हेट करते हैं वोमेन से। उसके बाद माइजो गामिस्ट होते हैं, जो लोग गामोस से हेट करते हैं, और गामोस का अर्थ क्या हो जाता है आपका, मैरिज। तो ऐसे लोग जो मैरिज से हेट करते हैं वो होते हैं आपके माइजो गामिस्ट। इसी तरीके से मैं आपसे वर्ड का डिस्कशन करूंगा एंथ्रोपोलॉजी। मैंने आपसे एंथ्रोप का मतलब बताया, जो कि क्या होता है आपका, ह्यूमन से रिलेटेड होता है। अपोलॉजी क्या होता है, ये होता है आपका स्टडी। तो एंथ्रोपोस की स्टडी करने वाले लोगों को, यानी कि एंथ्रोप यानी कि लोगों की स्टडी करने वाली साइंस को आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस इज नोन एज द एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट में अगेन आपका एंथ्रोप्स आ गया, जिसका अर्थ क्या हो गया, मैनकाइंड से। और यहाँ पर आपका एक वर्ड निकल कर आया है फिलैन। फिलैन का अर्थ क्या होता है, किसी से प्यार करना। तो ऐसे लोग जो फिलैंथ्रोपिस्ट होना है वो क्या होते हैं, मैनकाइंड से प्यार करते हैं, उनके लिए केयर शो करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपसे रूट वर्ड डिस्कस किया गाइन, जिसका अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, वुमेन।
देखिए, गायन से बनने वाले पहला वर्ड आपके सामने आएगा गायनेकोलॉजिस्ट। आपने ये वर्ड सुना होगा। गायन से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए शब्द में कि आप फीमेल के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और इकोलॉजिस्ट आपके वो लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। अब किसके ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको इस रूट वर्ड ने क्लियर कर दिया है कि फीमेल के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपके क्या हो गए, ऐसे स्पेशलिस्ट जो कि फीमेल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। अब इसी तरीके से मैंने आपसे गामोस का डिस्कशन किया, जिसका रूट वर्ड का मीनिंग होता है मैरिज। अगर मैं आपसे बोलूँ बाय मोनोगामी, अब मैं आपसे कहूँ बाईगामी और मैं आपसे कहूँ पॉलोगामी, तो पॉलीगामी, बाईगामी, मोनोगामी, इनके अर्थ होते हैं। मोनोगामी का अर्थ हो जाता है आपका कि ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर आप एक शादी करते हैं, बाईगामी का अर्थ हो जाता है जहाँ पर आप दो शादी करते हैं, और पॉलीगामी का अर्थ हो जाता है जहाँ पर आप मोर देन टू यानी कि बहुत सारी शादियों की टेंडेंसी करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी कि भाई मोनो का अर्थ आपका वन से होगा, बाई का अर्थ आपका टू से होगा, और उसके बाद पॉली का अर्थ आपका होगा मैनी से। गामी का अर्थ आपको पता चल गया कि गामी का अर्थ आपको क्या देता है, मैरिज। अब देखिए, पॉली का आपको अगर अर्थ पता चल गया कि इसका अर्थ होता है मैनी, और अगर वर्ड मैं आपसे डिस्कस करूँ पॉली एंड्री, और एंड्रोज का मैंने आपको बोला कि इसका अर्थ रूट वर्ड देगा आपको वैल्यू मेल, तो पॉली का मतलब पता है आपको होता है मैनी, एंड्री का अर्थ पता चल गया आपको मेल, तो पॉली एंड्री का अर्थ क्या होगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस जहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो पॉली एंड्री करती हैं, यानी कि मोर देन वन हस्बैंड रखती हैं, तो वो कहलाता है आपका पॉली एंड्री। तो देखिए, काफ़ी सारी जगह पर ये प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पर मोर देन वन हस्बैंड रखने की भी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये वर्ड वहाँ पर डिनोट करता है आपका पॉली एंड्री को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडिया लाइकिंग लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, यानी कि ऐसे लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें आप बोलते हैं असेटिक। पहले पार्ट में मैंने आपको ये डिस्कस किया था, असेटिक यानी कि बेसिकली सन्यासी जो कि मॉन्क्स की तरह रहना पसंद करते हैं। ये आपका बना होता है ग्रीक वर्ड जो कि क्या है, एस्कीट्स। एस्कीट्स से आपका निकल कर आया है असेटिक, और इस प्रैक्टिस को आप बोलते हैं असेटिज्म। ठीक है, तो ये भी आपका एक वर्ड और उससे रिलेटेड रूट यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी रूट अपने इस तीन सेशन में डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने रूट का डिस्कशन किया। पहले जो हमने रूट डिस्कस किया था वो किया था ईगो, और उसका अर्थ था आपका क्या, आई। उसके बाद हमारा निकल कर आया रूट वर्ड ऑल्टर, जिसका अर्थ आपका क्या हुआ, अदर। अब देखिए, ऑल्टर से आपका कौन कौन से वर्ड बने थे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर ईगो। सेल्फ से आपका क्या क्या थे, ईगोइस्ट था, ईगोटिस्ट था, ईगोसेंट्रिक था। सो दीज आर दी रूट वर्ड्स जिनके अर्थ आपको यहाँ पर दिए गए हैं, दीज आर दी रूट वर्ड जिसका अर्थ आपको यहाँ पर मिला, अदर। नेक्स्ट आया आपका इंट्रो। इंट्रो का रूट वर्ड आपको क्या मिला, इनसाइड मिला। इसी तरीके से एक्स्ट्रो रूट वर्ड के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, आउटसाइड, जैसे कि मैंने आपसे एक्स्ट्रो वर्ड की बात की थी। उसके बाद वर्ड आपको क्या देता है रूट मीनिंग, टर्न, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रो वर्ड, इंट्रो वर्ड या फिर एमबी वर्ड की बात की थी। एमबी आपका रूट निकल कर आया था जिसका अर्थ आपको क्या मिलता है, बोथ, यानी कि आप बोथ डायरेक्शंस की टेंडेंसीज रखते हैं। उसके बाद आपने बात किया माइजन रूट वर्ड की, जिसका अर्थ आपका निकल कर आता है हेट। यहाँ से रिलेटेड वर्ड आपका कैसे बन जाएगा, माइजोगामिस, माइजोगामी या फिर मिसएंथ्रो। उसके बाद एंथ्रोपोज आपका रूट वर्ड निकल कर आया, जो कि आपका रिलेट करता है किससे, मैनकाइंड से। इनके मैंने रिलेटेड वर्ड्स आपके कौन से किए, मिसएंथ्रोप किया, एंथ्रोपोलॉजी आपसे डिस्कस किया। तो एंथ्रोपोज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मैनकाइंड। नेक्स्ट आता है आपका गाइन। गाइन रूट वर्ड का अर्थ आपका क्या होता है, वुमेन। अब इससे रिलेटेड हमने वर्ड यूज किए थे गायनेकोलॉजिस्ट, माइजोगामी। उसके बाद गामोस, गामोस का अर्थ क्या निकलता है आपका, मैरिज, जैसे कि मैंने आपसे मोनोगामी, बाईगामी, बाईगामी, उसके बाद आपसे पॉलीगामी का डिस्कशन किया। उसके बाद एस्कीज आपका एक रूट वर्ड निकल कर आया, उसका अर्थ क्या हुआ था आपका, मॉन्क्स, जो कि आपका अकेले रहना पसंद करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दी सेंट्रम, यानी कि उसका अर्थ होता है आपका सेंटर। इससे रिलेटेड हमने कौन सा वर्ड डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड हमने किया था ईगो सेंट्रिक, जहाँ से सेंट्रम आपका रूट वर्ड निकला था और सेंटर इसका अर्थ हुआ था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मैनिया, इसका अर्थ आपका रिलेटेड करता है मैडनेस से, जैसे कि मैंने ईगो मैनिया की बात करी थी। देन आई टॉक्ड अबाउट टैक्स्टर, टैक्स्टर बेसिकली आपका लैटिन वर्ड हुआ था, जिसका अर्थ आपका क्या देता है, राइट हैंड। और इससे रिलेटेड वर्ड हमने कौन सा डिस्कस किया था, डैक्स्टर्स का डिस्कस किया था, या फिर मैंने आपसे क्या किया था, डैक्स्टर्स ऐसे लोग होते थे जो काफ़ी स्किल थे, जैसे कि मैंने आपसे ऐसे लोगों की बात की थी जो अपने दोनों ही हाथों को इक्वल स्किल से क्या कर रहे थे,
यूज कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला था एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि वो दोनों को ही हाथों को इक्वल स्किल से यूज करते हैं। उसके बाद मैंने वर्ड आपसे यूज किया सिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है आपका लेफ्ट हैंड से रिलेटेड। देन आई टॉक्ड अबाउट गाउच, गाउच ऐसे लोग थे जो कि जिनको लेके कि इंग्लिश वर्ड में आप किसी का उपहास उड़ाते हैं, जिसका बेसिक मीनिंग होता है आपका लेफ्ट हैंडेड लोग होना। उसके बाद मैंने आपसे ड्रॉइड की बात करी थी, जिसका अर्थ भी आपका क्या होता है, राइट हैंड होता है। मोनोस का आपका अर्थ हो गया था वन, इसी तरीके से बाइस का आपका अर्थ हो गया टू। पॉली आपका रिलेटेड वर्ड देता है मैनी, जैसे कि मैंने पॉली एंड्री की भी आपसे बात करी थी, और एंड्रो आपका क्या होता है, जो कि आपका रिलेट होता है मेल से, यानी कि हस्बैंड से, जैसे कि पॉली एंड्री की बात करी थी, जो कि प्रैक्टिस यूज करी जाती है भूटान में। ये मैंने अभी तक आपसे रूट वर्ड डिस्कस किए, और देखिए अब हमारा काम होगा कि वो सभी वर्ड्स को रिकॉल करने का जो भी हमने अपने इन तीन सेशन में पढ़े हैं। तो पहला आपके सामने है वैल्यू फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टेरिटी, यानी कि ऐसी फिलॉसफी जहाँ पर आप ऑस्टेरिटी यानी कि एक संत की तरह लाइफ बिताते हैं, तो ऐसी फिलॉसफी को आप क्या बोलते हैं, असेटिज्म, यानी कि ASCETICISM, ये हो जाए आपका फिलॉसफी असेटिज्म। उसके बाद बात करते हैं हम हेट्रेड ऑफ वुमेन की, यानी कि वुमेन से घृणा करने की, तो इसके लिए आपका कौन सा वर्ड होता है, माइजोगाइनी, ये आपका हेट्रेड ऑफ वुमेन का वर्ड होता है। उसके बाद हेट्रेड ऑफ मैरिज की मैं बात करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइजोगामी। नेक्स्ट आपका आता है हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, तो मैनकाइंड के लिए क्या मैंने आपको रूट वर्ड बताया था, एंथ्रोपोस। अगर हेट्रेड की बात करी है तो ये क्या हो जाएगा, माइजो मिस एंथ्रोपी, ये हो जाएगा आपका मिस एंथ्रोपी। इसके बाद स्किलफुल की बात करूंगा, तो स्किलफुल के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, डेक्स्ट्रस, ये हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे ऑकवर्ड की, तो देखिए ऑकवर्ड के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप अगर कुछ लोगों को ऐसा ट्रीट करते हैं कि यार आप तो बड़े ही अजीब हैं, आप तो बूढ़े से लगते हैं, यानी कि आप ऑकवर्ड लगते हैं, तो इसके लिए वर्ड मैंने आपसे बात करी थी गाउच यूज करने की, गाउच GAUCHE। उसके बाद एविल और थ्रेटनिंग से रिलेटेड वर्ड आपका क्या होता है, आपको रिकॉल होगा, ये होता है आपका सिनिस्टर। उसके बाद डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ वुमेन, यानी कि आप वुमेन से अगर हेट्रेड को डिस्क्राइब करते हैं और उसके एडजेक्टिव फॉर्म को लिखना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइजोगाइनस, ये हो जाएगा आपका माइजोगाइनस। इसके बाद स्किल की अगर बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एड्रॉइटनेस हो जाएगा, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। इसके बाद पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैरिजेस, यानी कि मैरिज से हेट्रेड करने की बात की अगर मैं एडजेक्टिव फॉर्म में बात करूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइजोगामस। नेक्स्ट अगर पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड की मैं बात करने की आपसे बोलूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिस एंथ्रोपिक। नेक्स्ट आता है आपका सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, यहाँ पर आप बहुत सारी शादियां करने की बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगामी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, यानी कि एक से ज्यादा स्पाउस होने की अनलॉफुल स्टेट को आप क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाईगामी। बेसिकली एक से ज्यादा स्पाउस रखने की बात होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाईगामी यूज किया। उसके लिए 14th वर्ड है आपका डॉक्टर, जो कि स्पेशलाइज करता है फीमेल डिसऑर्डर्स को, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, यानी कि एक शादी एक टाइम पर अगर बात करते हैं, तो ये हो जाता है आपका मोनोगामी। नेक्स्ट है आपका वन हु हेट्स ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस से हेट करते हैं, तो ये क्या होते हैं, मिस एंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है आपका एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो दोनों ही हाथ को अपने राइट हैंड की तरह या फिर इक्वल स्किल से यूज करने वाले लोगों को आप क्या बोलते हैं, दोनों हाथों के लिए आपका एमबी लगेगा और स्किल के लिए आपका लगेगा डेक्स्ट्रस, तो एमबी डेक्स्ट्रस होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड के लिए आपका क्या होता है, एंथ्रोप, और स्टडी के लिए क्या होता है, लॉजी, यानी कि ये हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद वन हु लव्स मैनकाइंड, इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये होता है लव्स के लिए होता है आपका फिलेन, और एंथ्रोप आता है आपका मैनकाइंड के लिए, तो ये हो जाएगा आपका फिलेन्थ्रोपिस्ट। स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड्स, अगर आप दोनों ही हाथ से स्किल को यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एमबी आपका दोनों हाथों को देगा
और स्किलनेस आपका देगा डेक्सटैरिटी, तो ये हो जाएगा आपका एमबी डेक्सटैरिटी। सो दीज वाज द वर्ड्स जो कि हमने अपने इस थर्ड सेशन में पहले दूसरे और तीसरे सेशन को भी इंक्लूड करते हुए डिस्कस किए। तो देखिए पहला जो चैप्टर था आपका यानी कि चैप्टर वन आपका कंप्लीट हुआ, जहाँ पर सेशन नंबर एक से लेके सेशन नंबर तीन तक के हमने पार्ट को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सभी सेशंस पसंद आए होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको इस सेशन से फ़ायदा होता है। सो मेरे लिए अप्रिशिएशन का काम करेगा आपका एक लाइक। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अनअकैडमी एसएससी अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोज़ के लिंक्स प्रोवाइड होते हैं, और मैं यहाँ पर आपके लिए क्विज भी काफ़ी सारे डालता हूँ, अपन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी के एसएससी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसे भी मैं ही यूज़ करता हूँ, मैं ही हैंडल करता हूँ, जहाँ पर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। तो हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन के पहले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।